सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज अपन लोग बात करने वाले हैं बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। तो RS 200 ना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, स्पेशली अगर आपका बजट 2 लाख रुपए के आसपास है ना, तो ये बाइक आप लोगों के लिए ना काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को पावर भी मिल जाता है, प्लस जो प्राइस भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और प्राइस का आप लोग आइडिया ना इसी चीज़ से लगा सकते हो, दो इस बाइक का जो एक मेजर कॉम्पिटिशन कहा जाता है ना RC 200 KTM RC 200, उसमें और इसमें लगभग 50,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है ऑन रोड प्राइस में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कई लोग ना R15 V4 को भी इसका कंपटीशन मानते हैं, माना कि R15 V4 में थोड़ा सा ज़्यादा एक फीचर्स आ जाता है, क्विक शिफ्टर मिल जाता है, पर पावर आप लोगों को वहाँ पर मिलता है 18.4 BHP का राउंड और यहाँ मिलने वाला है 24.5 BHP का राउंड, तो काफ़ी अच्छा खासा एक पावर में भी डिफरेंस मिल जाता है, प्लस एक कंफर्टेबल सिटिंग के साथ आप लोगों को बाइक मिल जाती है। तो पूरी डिटेल में आप लोगों को मिलने वाला है इस वाले वीडियो में, ऑन रोड प्राइस की भी बात करेंगे और बाइक के बारे में ओवरऑल डिटेल में भी बात करने वाले हैं। तो इस टाइप की अपने को की मिलने वाली है कि आप लोगों को कुछ टाइप से इग्निशन जो अपना है रेगुलर जगह पे ही रहने वाला है। इग्निशन ऑन करते हैं अपन, MID सेटअप की भी अपन बात करते हैं। ऑन के साथ लाइटिंग सेटअप जो है आपको कुछ इस टाइप से ऑन रहने वाला है। लाइटिंग सेटअप यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बिनेशन में है LED प्लस हेलोजन। तो हेडलैम्प जो है ये अपना प्रोजेक्टर वाला सेटअप मिलता है ड्यूल प्रोजेक्टर में, और ये अपना रहने वाला है हेलोजन में। बाकी एक अपना जो DRL है ये भी, और अपना जो इंडिकेटर है ये भी पूरा LED में ही रहने वाला है। इंडिकेटर का लुक भी चेकआउट कर लेते हैं। तो रियर बाइक का ऑन होने के बाद कुछ इस टाइप का है, LED में ही टेल लैंप रहने वाला है क्लियर ग्लास में, और इंडिकेटर जो है ये ऑन होने के बाद लुक कुछ इस टाइप का आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है कह सकते हो। हेडलैम्प भी अगर LED में ही होता तो और ज़्यादा एक आप लोगों के लिए हो सकता था, पर इसका भी कोई ऑप्शन आप लोगों के लिए मिल जाता है, क्योंकि आफ्टर मार्केट LED या फिर HID आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। फ्रंट में देखें तो इस टाइप का अपने को विंडस्क्रीन वाला लुक मिल जाता है, इसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को आफ्टर मार्केट में मिल जाते हैं। प्लस रियर व्यू मिरर जो है आप लोगों को इस टाइप से हैं, और ये भी अपना प्रॉपर इस टाइप से फोल्डेबल रहने वाले हैं। विंडस्क्रीन जो है ये आप लोगों को सेमी डार्क है, ना ही क्लियर है ना ही ग्लॉसी ब्लैक वाला लुक आ रहा है, पर बाइक के साथ काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए ये वाला भी होने वाला है। फ्रंट में देख लेते हैं तो फ्रंट में आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है एंड्यूरेंस का, तो एंड्यूरेंस का सस्पेंशन है प्लस वाइब्री की ब्रेकिंग है फ्रंट भी और रियर भी। इस टाइप से अपना फ्रंट डिस्क रहने वाला है, 300mm का पेट्रोल डिस्क अपने को मिलने वाला है ड्यूल चैनल ABS के साथ। फ्रंट टायर की बात कर लेते हैं तो MRF का ये वाला टायर रहने वाला है, प्लस पैटर्न अपना कुछ इस टाइप का है, और ये रहने वाला है अपना 100 सेक्शन का, 180/17 ही फ्रंट है 17 ही रियर है। फ्रंट अपना रहने वाला है 100 सेक्शन का। रेडिएटर का सेटअप भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे कि जो बाइक का कूलिंग है वो काफ़ी एक जल्दी और मोर इफेक्टिव आप लोगों के लिए होने वाली है। यहाँ पर अपने को पूरा लुक मिलने वाला है फुली फेयर्ड वाला, तो पूरा आप लोगों को प्रॉपर एक फुली फेयर्ड लुक मिलता है। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए इसी सेम इंजन के साथ और एक कह सकते हो मिलते जुलते ऑप्शन के साथ NS 200 भी अवेलेबल रहती है, अगर आप लोगों को एक नेकेड लुक चाहिए। क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पर भी आप लोगों को मिलने वाला है, और NS तो खैर यार काफ़ी ज़्यादा फेमस है ही, इसी की वजह से RS भी है, और NS का जो सीरीज रहता है वो भी इसी बाइक की वजह से काफ़ी फेमस बाइक है, कह सकते हो लेजेंडरी प्रोडक्ट ये वाला है। तो आ जाते हैं वापस बैक टू RS। RS की अगर एक मेजर बात करें ना, जो कह सकते हो प्लस पॉइंट, तो वो है भाई इस बाइक का सिटिंग। इस बाइक का इसके कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कम्फर्टेबल सिटिंग मिल जाती है। सीट भी KTM के अकॉर्डिंग तो भाई सॉफ्ट ही है, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे भी नहीं है ना ही ज़्यादा हार्डर साइड पे है। तो इस टाइप से अपना जो राइडर वाला सीट है, और ये है अपना पिलियन वाला, पिलियन कंफर्ट भी यहाँ पर उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम अच्छा खासा यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। फुटपैक्स की जो एक पोजीशन है वो भी एक प्रॉपर ही रहने वाली है, उसके साथ साथ क्लिप ऑन हैंडल बार अपने यहाँ पर मिल जाता है, पर क्लिप ऑन के साथ भी ना यहाँ पर ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा लीन ऑन आप लोगों को एक राइडिंग पोजीशन मिले, काफ़ी अपराइट राइडिंग पोजीशन भी उसके साथ मिल जाती है। प्लस जो ये जो टैंक का जो शेप है, इसकी वजह से जो थाई ग्रिप बनती है ना राइडर का, वो भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पर एक ये ना स्क्रैच से प्रोटेक्शन के लिए स्क्रैच प्लस एक ये ट्रैक्शन पैड आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, और इस बाइक में इसकी नीड रहती है भाई। काफ़ी अच्छा टॉप एंड है, जो कंपनी क्लेम करती है टॉप स्पीड वो रहने वाली है लगभग 145 KMPH के अराउंड, पर ये बाइक ईजिली 155 को भी टच करती है। और सीटिंग के साथ साथ सीट हाइट भी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है ज़्यादा, एक हायर साइड पर आप लोगों को मिलती है। 810mm की टोटल सीट हाइट है, 810 यानी कि 810mm की आप लोगों को यहाँ पर सीट हाइट मिलने वाली है। और जो एक बाइक का जो कह सकते हो वेरिएंट है, सिंगल वेरिएंट में ही आप लोगों को RS 200 अवेलेबल रहने वाली है, बस जो ऑप्शन हो जाता है फेयर्ड और नेकेड, यही वाली चीज़ आप लोगों के साथ होने वाली है। रियर में देख लेते हैं तो रियर जो टायर का सेटअप है ये भी काफ़ी अच्छा है, 130 सेक्शन का रियर टायर है, 130/70/17। एक यहाँ पर आप लोगों को स्विंग हमें इसको भी आप लोग ना अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर पूरा एडजस्टमेंट आप लोगों को मिल जाता है। 230mm का रियर में भी पेट्रोल डिस्क ही मिलने वाला है वाइब्री की ब्रेकिंग के साथ,
तो ये भी काफ़ी अच्छा है। पैटर्न अपना कुछ इस टाइप का है टायर का, टायर अगर ड्यूल में ही रहने वाला है, एग्जॉस्ट सब कुछ इस टाइप का जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साउंड भी प्रोड्यूस करता है बाइक का ना। रियर में अपने को मोनोशॉक ही रहने वाला है, वही एंड्योरेंस का नाइट्रॉक सीरीज़ का, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजिशन आप लोगों को देने वाला है। रियर कुछ इस टाइप का है, टेल टाइडी वाला सेक्शन RS का काफ़ी फेमस है जब से बाइक लॉन्च हुई है। LED में ही अपना नंबर प्लेट का बल्ब भी रहने वाला है, प्लस RS 200 की पूरी ब्रांडिंग यहाँ पर भी मिल जाती है। और इस बाइक का जो रियर है ना, वो ज़्यादातर एक कह सकते हो S1000RR से रिलेट करता है, स्पेशली जब अपन ये टेल टाइडी रिमूव कर देते हैं ना, तो उसके साथ लोग काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए आने वाला है। तो कुछ इस टाइप का अपने को यहाँ पर फ्यूल टैंक रहने वाला है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये रहने वाली है अपनी 13 लीटर की, 13 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है। पल्सर का लोगो आप लोगों को मिल जाएगा सिल्वर कलर में, और ये अपना रहने वाला है 3D वाला, प्लस ये जो क्रीज लाइंस है ये आप लोगों को काफ़ी इंप्रेसिव लगने वाली है, स्पेशली जो राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग देखोगे तो उसके साथ इसका काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगने वाला है। फाइबर में ही ये पूरी कवरिंग रहने वाली है, पर फ्यूल टैंक जो आपका अंदर है उसके अंदर वो आप लोगों को मेटल में ही रहने वाला है। ये आप लोगों को सिर्फ एक एज अ कवरिंग पूरा पार्ट मिलने वाला है। MID सेटअप देख लेते हैं, तो MID का स्टार्टअप देखते हैं, तो MID भी आप लोगों को सेम ही है जैसा कि NS 200 में अवेलेबल रहता है, वही वाला सेम आप लोगों को यूनिट यहाँ पर भी रहने वाला है। साइड स्टैंड डाउन है, तो साइड स्टैंड की वार्निंग आ जाती है, क्लॉक आ जाती है, डिजिटल में स्पीडोमीटर आ रहा है, ऑटोमेटेड ट्रिप ए ट्रिप बी सिर्फ आपका यही रहने वाला है। डिजिटल में ही अपना जो फ्यूल गेज है ये भी रहने वाला है। RPM मीटर अपना रहने वाला है एनालॉग में, RPM लिमिटर की एक लाइट भी आ जाती है, प्लस साइड में अपने को पूरा ना एक कार्बन फिनिश भी यहाँ पर मिलने वाला है। वार्निंग लाइट्स आप लोगों को इस वाले विंडो में मिल जाती है, दो स्विचेज आ जाते हैं। क्लिप ऑन में हैंडल बार मिलने वाला है, जिसके साथ काफ़ी अपराइट सीटिंग पोजिशन अपने को मिलती है। जो स्विचेज हैं ये भी इल्यूमिनेटेड रहने वाले हैं, जैसे कि बजाज की KTM की सदर बाइक्स में आते हैं, यहाँ पर एक अपना पास वाला स्विच आ जाता है। तो ये रहा भाई हेलोजन का थ्रो, आप लोग देख सकते हो प्रोजेक्टर के साथ, ये अपना IBM लो बीम आ जाता है। यहाँ पर एक इंडिकेटर है, इस टाइप का सिंगल बजर में काफ़ी लाउड अपने को हॉर्न भी मिलने वाला है। राइट साइड पे देखते हैं तो एक किल स्विच आ जाता है, प्लस आपका जाता है स्टार्टर। बार एंड्स अपने को यहाँ पर मेटल में मिल जाते हैं, प्लस जो ग्रिप्स हैं इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी फील होगी, और ये एक सॉफ्ट आप लोगों को यहाँ पर ना मटेरियल फील आएगा इसका भी। लीवर्स कुछ इस टाइप के हैं, कोई एडजस्टमेंट अपने को लीवर्स पे यहाँ पर नहीं मिलने वाला, अपने को प्रॉपर जो रेगुलर लीवर्स आते हैं वही रहने वाले हैं। तो 6 स्पीड अपने को यहाँ पर गियरबॉक्स मिल जाता है सिंगल हेड गियर लीवर के साथ, प्लस साइड स्टैंड इंजन का टॉप भी अपने को मिल जाएगा, जो कि एक सेफ्टी फीचर है। इसके साथ साथ चेन का सेटअप है, ये अपना ओपन वाला ही रहने वाला है, तो मेंटेनेंस का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ही। फुटपेक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लस ओवरऑल जो एक प्लास्टिक क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है बाइक की, वो भी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या आप लोगों के यहाँ पर पावर आउटपुट रहने वाला है। तो 199.5 cc का लिक्विड कूल अपने को यहाँ पर इंजन मिलने वाला है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। पावर की बात करें तो 24.5 HP का पीक पावर है, और 18.7 Nm का यहाँ पर अपने को टॉर्क रहने वाला है। बाइक टोटल 3 कलर ऑप्शन में अपने को अवेलेबल रहने वाली है, रेड व्हाइट और ग्रे, तो 3 आप लोगों को कलर मिल जाते हैं। वेरियंट सिंगल ही रहने वाला है, कोई वेरियंट की चॉइस आप लोगों को RS 200 के साथ नहीं मिलने वाली। अब बात कर लेते हैं भाई एक मेजर चीज़ की, जो कि रहती है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का इशू सबके साथ ही रहता है बाइक चूज़ करते समय, तो प्राइस आप लोगों की ये रहने वाली है ऑन रोड जयपुर। तो ऑन रोड जयपुर आप लोगों को RS 200 कॉस्ट करने वाली है लगभग 2,03,000 के अराउंड, तो 2,03,000 आप लोगों को ये बाइक ऑन रोड जयपुर अप्रॉक्स कॉस्ट करने वाली है। तो ये हुआ भाई अपना पूरा वीडियो कंप्लीट RS 200 के बारे में। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी एक बाइक आप लोगों को मिल जाती है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट इस बाइक को आप लोग कह सकते हो। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना, करते अपना ये वाला वीडियो एंड। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।